हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर है स्वागत। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में एरे में पुश पॉप शिफ्ट एंड अनशिफ्ट मेथड क्या होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि एरे होता क्या है, कैसे हम उसकी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और कैसे हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग एरे की डेफिनेशन से कि एरे होता क्या है। एन एरे इज़ अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। एरे एक कंटेनर बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर बॉक्स है जिसमें हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर किया हुआ है। एरे को डिक्लेयर कराने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज़ करते हैं। एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ज़ीरो इंडेक्स नंबर पर स्टोर है, सेकंड एलिमेंट वन पर, थर्ड सेकंड पर और फोर्थ थर्ड पर, और 56 जो लास्ट एलिमेंट है एरे का वो फोर इंडेक्स नंबर पर स्टोर है। अब जो हम इंडेक्स नंबर कब यूज़ करते हैं, जब हमें एरे में किसी एलिमेंट को ऐड या डिलीट करना हो उसे हम इंडेक्स नंबर के थ्रू ही ऐड और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अदर लैंग्वेज के एरे और जावास्क्रिप्ट के एरे में क्या डिफरेंस होता है। अदर लैंग्वेज में जो एरे होता है उसमें हम सेम डाटा टाइप्स की वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। जैसे इस एरे में हमने जितनी भी वैल्यूज स्टोर कराई हैं वो सारी इंटीजर टाइप की हैं। इसमें कोई भी वैल्यू जो फ्लोटिंग टाइप की नहीं है, सारी वैल्यूज़ सेम डाटा टाइप की हैं। बट इन जावास्क्रिप्ट एरे हम जो एरे होता है उसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी स्टोर है और इंटीजर टाइप की भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे एरे के मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे शिफ्ट मेथड कि शिफ्ट मेथड होता क्या है। शिफ्ट मेथड रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। अगर हमें अपने एरे में फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, हम शिफ्ट मेथड का यूज़ करेंगे। इसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हम एरे में अपनी वैल्यूज़ को डिक्लेयर कराएंगे। जैसे इस एरे में हमारे पास फोर वैल्यूज़ हैं और उसे हम एरे वन में स्टोर करा लेंगे। इसमें फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें एरे का नाम लिखना होगा जिसमें हमारी सारी वैल्यूज़ स्टोर हैं, और डॉट पाके हम शिफ्ट मेथड लिखेंगे और उसे एक न्यू एरे में स्टोर करा लेंगे। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से हम उसे प्रिंट करा लेंगे। जब हमारे पास आउटपुट आएगी तो वो कुछ ऐसी होगी जिसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अनशिफ्ट मेथड क्या होता है। अनशिफ्ट मेथड एड्स एन एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे। अगर हमें अपने एरे में बिगिनिंग में किसी एलिमेंट को ऐड करना हो तो हम अनशिफ्ट मेथड का यूज़ करेंगे। इसे डिक्लेयर कराने का भी सेम मेथड है, बट इसमें जो हमारी ब्रैकेट्स में वो वैल्यू आ जाएगी जिसे हम ऐड कराना चाहते हैं, और जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी वो कुछ ऐसी होगी जिसमें एरे की बिगिनिंग में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। अगर हमें एरे के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम पॉप मेथड का यूज़ करेंगे। इस डिक्लेयर कराने का भी सेम मेथड है, बस इसका जो मेथड का नाम है वही चेंज होगा। जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी वो कुछ ऐसी होगी जिसमें जो हमारा लास्ट एलिमेंट है 56 वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पुश मेथड। पुश मेथड क्या करता है, एड्स एन एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे। अगर हमें एरे की बिगिनिंग में किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, पुश मेथड का यूज़ करेंगे। इसे डिक्लेयर करने का भी सेम वही प्रोसीजर है, बट इसकी जो ब्रैकेट में वो वैल्यू ऐड हो जाएगी जिसे हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। और इसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी वो कुछ ऐसी होगी जिसमें हमारे एरे में जो फर्स्ट पोजीशन पर 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि एरे क्या होता है और उसमें शिफ्ट अनशिफ्ट और पुश पॉप मेथड क्या होते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमें एरे के इन बिटवीन किसी एलिमेंट को ऐड या डिलीट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइस मेथड का। अब स्लाइस मेथड की वीडियो मैं आने वाली वीडियोस में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी मैं स्लाइस मेथड की वीडियो को अपलोड करूँ तो आप उसे देख सको।
तो जाते जाते मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।